ध्रुव की निद्रा खुल जाती। माँ तुम रो रही हो, क्या बात हो गई माँ, मुझसे कुछ भूल हो गई क्या? तुम्हारा रोने का कारण बताओ माँ, यदि मेरे से कुछ भूल हो गई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ माँ, मुझे क्षमा करो माँ। और जैसे ही बालक ध्रुव इस प्रकार कहता तो माता सुनीति अपने बेटे को छाती से लगा कर कहती, बेटा भूल तुमसे नहीं, जो भी भूल हुई है मुझसे ही हुई है बेटा, तुम्हारे से क्या भूल होगा। अपने बेटे को छाती से लगा लेती सुनीति माँ, और बहुत देर तक दुलार करती। दोनों माँ और बेटे सो जाते। जब दोनों सो जाते, प्रातः काल जब उठते, रोज के रोज स्नान करके आने के बाद भगवान की आराधना में लग जाते। आराधना करने के बाद सत्तू का गिलास घोलकर सुनीति माँ ठाकुर जी को भोग लगा देती। उसके बाद अपने पुत्र को जैसे ही सत्तू खाने को देती, बेटा आहा आहा करते हुए वो सत्तू का जैसे ही भोग लगाता है, माँ बहुत आनंदित होती, मेरा बेटा कितना संतोषी है, मुझसे कभी दूध की याचना नहीं करता, कभी फल की याचना नहीं करता, कभी मिष्ठान्न की याचना नहीं करता, इसी सत्तू को ये 56 भोग मानकर प्रेम से पा लेता है। इस प्रकार गदगद होती। एक दिन सुनीति माँ ने ध्रुव से कहा, बेटा कभी कभी तुम खेलने क्यों नहीं जाते? देखो आज भी सामने के आश्रम वाले छोटे छोटे बच्चे देखो वहां पर रणांगण में खेल रहे हैं, तुम भी जाकर उनके साथ थोड़ी देर खेल आओ बेटा, मेरे मन को भी शांति हो जाएगी। जैसे ही माता सुनीति ने यह बात ध्रुव से कही, ध्रुव को लगा कि रोज के रोज माँ खेलने जाने की बात करती है, यदि आज भी यदि मैं खेलने नहीं गया तो माँ को यह भी लग सकता है कि बेटा कहना नहीं मानता, इसलिए माँ को ऐसा ना लगे। इसलिए बालक ध्रुव ने माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ ठीक है आप कहती हो तो आज मैं खेलने जाता हूँ। इतना कहकर माँ को दंडवत किया बालक ध्रुव ने, और जैसे ही खेलने के लिए अपनी कुटिया से निकलकर जहाँ पर ऋषि कुमार खेल रहे थे वहां पर बालक ध्रुव पहुंचा है, और उन ऋषि कुमारों को प्रणाम करके जैसे ही अपना परिचय दिया, मैं सुनीति माँ का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव, मैं आपके साथ खेलने के लिए आया हूँ। जो ऋषि कुमार खेल रहे थे उनमें से एक ऋषि कुमार दौड़ करके आया, बालक ध्रुव के छाती में धक्का मारते हुए बोला, नहीं नहीं तू परित्यक्ता का बेटा है, तू हमारे साथ खेलने योग्य नहीं, जा भाग यहां से। जैसे ही फटकार दिया, बालक ध्रुव वहां से रोते विलखते आए हैं, माँ के चरण में पछाड़ खा कर गिरे हैं। रोते हुए माँ से बोलने लगे, माँ आज तक मैंने कभी भी तुमसे पकवान नहीं मांगी, आज तक माँ मैंने कभी खिलौने नहीं मांगे, आज तक मैंने आपसे कभी भी मिष्ठान्न नहीं मांगे, माँ आज मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, तुम दोगी कि नहीं? इतना सुनना था सुनीति माँ तो अधीर हो गई, ये बेटा मेरा कैसे अधीर होकर बहकी बहकी बात कर रहा है, बेटा क्या बात हो गई, तुमको क्या मांगना है, मांग के तो देखो बेटा, तुम पहली बार मेरे से डिमांड कर रहे हो, क्या नहीं दूंगी। इतना कहना था ध्रुव ने माँ से कहा, माँ मुझे केवल इतना पूछना है तुमसे कि तुमने ऐसा क्या अपराध कर दिया था जो हमारे पिता ने आपको और हमको परित्याग कर रखा है, माँ तुमको परित्याग करने का कारण क्या है? माँ मैं एक बार मेरे पिता का मकान जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कहाँ पर रहते हैं, एक बार मुझे मेरे पिता का घर बता दो, मैं जाकर आपकी तरफ से क्षमा मांग के आऊंगा और आपको इस वनवास से मुक्ति दिलाऊंगा, माँ मुझे एक बार मेरे पिता का मकान तो बता दो। जैसे ही बालक ध्रुव ने अपने माँ के पांव पर सिर रखकर रुदन किया, उस समय माँ सुनीति तो अधीर हो गई, अपने बेटे को छाती से लगाया, बेटा तुम्हें ये बहकी बहकी बात तुम कैसे कर रहे हो, तुमको ये बात किसने बता दी कि तुम्हारे पिता ने हमको और तुमको परित्याग कर रखा है? नहीं बेटा, तुम्हारे पिता तो हमसे और तुमसे बहुत प्रेम किया करते हैं, तुम्हारा और हमारा परित्याग करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बेटा सुनो, तुम यदि पिता से मिलना चाहते हो तो चले जा सकते हो, लेकिन बेटा तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, ये मैं बात कर रही हूँ। सुनो, हमको कुछ दिन तपस्या करनी थी ना, इसलिए हम आकर यहाँ वन में रहते हैं, तुम्हारे पिता ने हमारा परित्याग नहीं किया। माता सुनीति बिल्कुल सुनीत है मेरे भाई बहन। माता सुनीति को लगता है यदि असली बात बता दूं तो इस बालक के मन में बचपन से ही पिता के प्रति कुभाव जग जाएगा, और सुनीति कभी भी अपने पुत्र को कभी भी कुशिक्षा नहीं देती, वो तो सुशिक्षा ही दिया करती है मेरे भाई बहन।
और सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया, बेटा तुम अपने पिता से मिलना चाहते हो तो जरूर जाओ। सुनीति मैया को लगता है कि ये प्रभु की प्रेरणा हुई होगी, निश्चित रूप से इस बालक का वनवास प्रभु कटवाना चाहते हैं, इसको राजभवन में रखना चाहते होंगे। इसलिए इस बालक के मन में ऐसी प्रेरणा हुई है, यदि इसके पिता यदि इस बालक को एक बार देख लेंगे तो इसको वापस वन में आने ही नहीं देंगे, इसका वनवास छूट जाएगा। इस भाव से अभिप्रेरित होकर सुनीति मैया ने बालक ध्रुव को कहा, बेटा तुम अपने पिता के पास जाना चाहते हो, ये जो सामने बड़ी सी जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, वही तुम्हारा पिता का घर है, और वहां के जो बड़े राजा हैं वही तुम्हारे पिता है, उनका नाम उत्तानुपाद है, उनको जाकर दूर से प्रणाम मत करना बेटा, उनके चरण में जाकर साष्टांग दंडवत करना, वहां पर तुम्हारी एक छोटी माँ भी होगी, उनको भी जाकर साष्टांग दंडवत जब करोगे तो तुम्हारी छोटी माँ तुमको बहुत से पकवान देगी, बहुत से खिलौने देगी, बहुत से वस्त्र देगी, बेटा तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा रहेगी, जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। इतना कहकर बालक ध्रुव से जैसे ही कहा, बालक तत्काल माँ को प्रणाम करके जाने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, माँ सुनीति ने बालक ध्रुव के ललाट पर गोरोचन का तिलक लगा दिया, कंठ पर तुलसी की माला पहना दी, हाथ पर सुमिरिनी माला पकड़ा दी, पीताम्बर वस्त्र बदन में पहना दिया, पैर में खड़ाऊ पहना दी, और बाल को बाकर बहुत सुंदर पुष्प के गुच्छे बाल में माला बनाकर लगा दिए हैं। और जैसे ही बालक ध्रुव माँ से प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर अपने पिता के दरबार की ओर आगे बढ़ा, जहां तक जाता हुआ बेटा दिखाई दे रहा है वहां तक तो एक तक लगाकर देख रही है, जैसे ही दिखना बंद हुआ भीतर पूजा घर में जाकर माता सुनीति ने ठाकुर के सामने रुदन करना प्रारंभ किया, ठाकुर मैंने अपने लल्ला को उसके पिता के पास भेजा, गोविंद अपने पिता के प्रति मेरा बेटा खुबाव लेकर न लड़ जाए, इतनी सी प्रार्थना आपके चरणों में मुझे करनी है, हे ठाकुर मेरे पुत्र के प्रति अपनी कृपा की नजरें इनायत करो मेरे प्रभु। बार बार सुनीति मैया इधर प्रार्थना कर रही है, उधर चलते चलते जैसे ही ध्रुव राजभवन के द्वार पर पहुंचे हैं, द्वार पर दो द्वारपाल खड़े थे, उन द्वारपालों को ध्रुव ने जाकर प्रणाम किया और जैसे ही अपना परिचय दिया, भैया मैं इस देश के राजा उत्तानुपाद की बड़ी रानी सुनीति का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ये शब्द सुनते ही दोनों द्वारपालों के आंखों से अश्रु की धारा बह गई। अरे ये झोपड़ी रानी का बेटा इतना सुशील है कि हम नौकरों को भी प्रणाम कर रहा, छोटी रानी का जो पुत्र है उत्तम वो तो हमको आकर अबे तबे करके बात करता है, हमको गाली गलौज दे करता, धन्य हो राजकुमार हमको क्या आज्ञा है, हम तो आपके सेवक हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। जैसे ही द्वारपालों ने ये बात कही, ध्रुव ने कहा, भैया मुझे राजा उत्तानुपाद से मिलना है, वो मेरे पिता है ना, उनसे मिलने के लिए आया। इतना कह रहा था द्वारपाल बोलने लगे, आइए राजकुमार आपको हम आपके पिता के पास लेकर जाते हैं। इतना कहकर आगे आगे द्वारपाल, पीछे पीछे बालक ध्रुव चलते जा रहे हैं, और जैसे ही उच्च आसन पर बैठे हुए राजा उत्तानुपाद ने सामने से आता हुआ ऋषि कुमार के वेश में ध्रुव को देखा,